को बजरंगगढ़ स्थित श्री शांतिनाथ अतिश्रय क्षेत्र पुण्योदय तीर्थ से मुनि श्री आगम सागर जी महाराज और मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज का मंगल विहार हुआ। संभावना है कि दो मुनिराजों के कदम रूठियाई की ओर बढ़ रहे हैं। इंदौर में संपन्न हुए दो दिवसीय श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार समारोह, युवा विद्वान डॉक्टर अरिहंत कुमार जैन को चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी श्रवण बेलगोला स्मृति श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा काठमांडू में आयोजित सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में भारत से चयनित डॉक्टर सुनीता जैन और सुभाष जैन जी को सम्मानित किया गया। श्री सुभाष और डॉक्टर सुनीता समाज के उत्थान के लिए कई उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। समाज के लिए किए जा रहे कार्यों की श्रृंखला में ही दोनों प्रबुद्धजनों को यह सम्मान दिया गया है। 10 जनवरी को पावापुरी रथ यात्रा का आगमन उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ में हुआ। नगरवासियों ने रथ के भव्य स्वागत के साथ प्रभु भक्ति की भावना पाई। अखिल भारतीय जैन महिला परिषद का महामिलन समारोह तेलंगाना में 10 जनवरी को संपन्न हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जैन रत्न जसराज श्री श्रीमान आगापुरा दिगंबर जैन मंदिर अध्यक्ष विनोद बज एवं विदुषी महिला प्रभा दुगड़ उपस्थित थी। समारोह में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 6 नई शाखाओं ने शपथ ली। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में परम पूज्य आर्य श्री 105 श्रुतमती माता जी ससंग सानिध्य हेतु एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुलालवाड़ी सकल समाज को आमंत्रण हेतु अक्षत 10 जनवरी को भेंट किए गए।